सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर टेक्निकल व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप एक बजट फोन लेने की सोच रहे हैं, अगर आप फोन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा फोन लिया जाए, किसी में रैम अगर ज्यादा है, किसी में कैमरा, तो शायद एक फोन आने वाला है जो आपको कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जो प्रॉब्लम आपको जो भी है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे फोन को लेकर के, जो मिड रेंज फोन है या अपने आपके बजट में आ सकता है। आज जिस फोन के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक्चुअली टेलीकॉम यानी फोन मार्केट में एक बार फिर से काफी धूम मचाने वाला है। उसे ये भी बेनिफिट होने वाले हैं जो अभी फोन लेने वाले हैं उनके लिए भी, या फिर किसी अदर ब्रांड का भी फोन अगर लेना चाहते हैं। तो आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है कि जो फोन मार्केट में आने वाले हैं और भी हैं उनकी भी प्राइस काफी कम होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फोन के बारे में, इसे हम नया ब्रांड भी बोल सकते हैं या फिर पुराना ब्रांड भी बोल सकते हैं, मीन जो मार्केट में हमारा ब्रांड चल रहा है उस ब्रांड के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। इस ब्रांड का नाम है रियलमी, रियलमी वन इसका फोन का पहला मॉडल है। आपको मैं बता दूं कि ओप्पो का सब ब्रांड है, तो हम इसे नया भी बोल सकते हैं और ये पुराना फोन भी है। तो एक्चुअली ये ओप्पो ने अपने सब ब्रांड को लॉन्च करा है इस बेस पे कि ये बस ऑनलाइन मार्केट में मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे मिलेगा और इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके क्या कौन कौन से वेरियंट आने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं इसी फोन को लेकर के और मैं बताता हूँ कि इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या रहता है। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्निकल व्यू। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फोन है Realme One। जैसे मैंने अभी बताया ये Oppo का सब ब्रांड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट हाईलाइट मुझे इसमें ये अच्छा लगता है, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है दिस फोन इज डिजाइनड बाय Oppo एंड असेंबल इन इंडिया। ये काफी अच्छा चीज है। खैर कोई भी फोन मेड इन इंडिया नहीं होता है, उसमें सारे पार्ट बाहर से ही होते हैं, बट ये अच्छी बात है कि इंडिया में असेंबल हो रहा है। तो चलो शायद प्राइसिंग पे यहाँ भी फर्क पड़ेगा कुछ इंडिया में असेंबल होने से, क्योंकि अगर इंपोर्ट होता है तो उस इंपोर्ट में भी जो कॉस्ट आता है वो इस फोन पे ही लगाया जाता है, इस फोन के थ्रू ही मार्केट में लाया जाता है। मैं बता रहा हूँ रियलमी वन के बारे में, जो फोन काफी कमाल का फोन है, कमाल कंसेप्ट है। यहाँ पे वीवो ओप्पो को कट करने पे लगा है फिलहाल, तो ऐसे जो पैटर्न चलता आ रहा है। जेन फोन को एमआई ने कट आउट करा और एमआई को ओप्पो वीवो ये सब कटआउट करने पे लगे हुए हैं। तो मार्केट में एक तरह का कंपटीशन सा चल रहा है कि मैं सस्ता फोन में काफी अच्छा, मीन मिड रेंज फोन में मैं बेटर क्वालिटी दे रहा हूँ, बेटर कैमरे, बेटर फीचर्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ओप्पो ने लॉन्च करा है जिस फोन का, इसका सबसे पहले तो बैक लुक काफी क्यूट है। बैक लुक आप देख सकते हो, बैक लुक में डायमंड शेप से आते हैं। एक्चुअली फोन फ्लैट ही है, फोन का बैक साइड आप देख सकते हो, फोन के बैक साइड में ये काफी प्रीटी, काफी कूल सा लुक है। आपको एक डायमंड शेप सा देखने को मिलता है, अगर उसे रिफ्लेक्ट करते हो अलग अलग एंगल पे तो आपको उसमें डायमंड शेप से दिखाई देते हैं, बट फोन का सरफेस तो बिल्कुल फ्लैट है। एक्चुअली इसमें 12 नैनोटेक लेयर लगे हुए हैं, इस लेयर से प्रोटेक्शन सा भी काफी प्रोवाइड होता है, जो काफी बेटर है आपके फोन में स्क्रेचेस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली ग्लास फिनिश फोन है तो ऑब्वियसली स्क्रेचेस तो आने नॉर्मल सी बात है, बट चलो यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत मिलती है कि स्क्रैचेस तो आएंगे बट बहुत कम आएंगे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसके वेरिएंट की। तो वेरिएंट यहाँ पे इन्होंने सीधा तीन वेरिएंट लॉन्च करा है, इसकी प्राइसिंग तो बहुत ही कमाल है। यहाँ पे बस जियो वाली बात हो गई कि जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था मार्केट में तो ऐसा सारे टेलीकॉम सेंटर में अच्छा सा हंगामा मच गया था कि मीन जो सबसे महंगा टेलीकॉम सेंटर है एयरटेल भी अभी जियो के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मीन जियो का जो कुछ ही 10 या 15 रुपए जो भी डिफरेंट चल रहा होगा, बट जो भी हमारा मार्केट में है जिस फोन के अकॉर्डिंग है, जो भी उस वक्त नेटवर्क चल रहा था, तो जियो ने जैसे लॉन्च करा पहले तो उन्होंने फ्री दिए, चलो 1 ईयर तक आप फ्री यूज करो, उसके बाद जो भी चार्ज, उनके चार्जेस भी काफी सस्ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया वोडाफोन एयरटेल सबने सस्ता दिया। तो इससे ऐसा नहीं है, बेनिफिट हर तरीके से होता है, हर यूजर को होगा। तो ये फोन भी कुछ ऐसा ही कमाल करने जा रहा है। ये फोन आपको एक्चुअली ऑनलाइन बस मार्केट में मिलने वाला है, जिसमें
आई थिंक अमेजोन पे ही मिलेगा, अमेजोन पे 25 यानी 25 मई से इसकी सेल शुरू होने वाली है। अगर आप फोन लेना चाहते हो तो अभी जाओ आप प्री बुकिंग कर लो, बेटर रहेगा। प्री बुकिंग ओपन है और अगर आपको लेना सीधा 25 तारीख को तो 25 तारीख को बस आई थिंक ये फोन जिस प्राइस के अकॉर्डिंग है वहां तो सोल्ड आउट ही होना है। बस अगर सेल जहां ऑन होता है प्राइस वहां पे सोल्ड आउट हो जाना है। Redmi One की बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको फुल एचडी फुल व्यू 6 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। ये काफी कमाल का डिस्प्ले है और काफी कूल है। तो डिस्प्ले तो काफी क्यूट सा है, अगर गेमिंग खेलने के लिए गेम के लिए भी ये फोन काफी बेटर है। अगर रैम की बात करें तो इसके 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, एक है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। जो फाइनलेस है वो तो काफी कमाल का, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही परफेक्ट फोन है। ये आपको पड़ता है 6GB का, मीन 6GB रैम प्लस 128GB का रोम मिलता है। ये काफी कमाल है, मीन आपको तो यार मेमोरी कार्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 200 मूवी तो आप ऑब्वियसली उसमें डाउनलोड कर सकते हो। रही बात हैंग होने की, रैम काफी है, स्टोरेज काफी है, तो ऑब्वियसली अगर रैम आपको फुल नहीं होता है तो फोन हैंग करने का तो सवाल ही नहीं बनता। पावर पैक की बात करें, अगर गेम खेलने के लिए अगर फोन है, अगर चलो आप गेम खेलते हैं इस फोन पे, पावर पैक की बात करें तो पावर पैक में भी AI फीचर यूज किया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। AI की बात करूं तो इस फोन में तो AI को सभी जगह पे यूज किया गया। मीन अगर आप सेल्फी कैमरा में यूज कर रहे हो या कोई भी कैमरा का शॉट लेते हो तो उसमें AI फीचर्स इंक्लूडेड होगा। AI फीचर्स के थ्रू ही वो पिक लेना है। यहाँ तक कि बैटरी पैक में AI फीचर यूज किया गया। बैटरी की पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 3410 mAh की पावरफुल बैटरी। ये काफी कमाल का बैटरी है। अभी मीन इस फोन के अकॉर्डिंग ये बैटरी काफी पावरफुल है और काफी यूजफुल बैटरी है। अगर बात और इस पे अगर बात करें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, तो इसमें आपको जो मेन हाईलाइट है फेस अनलॉक तो अभी सारे फोन में आने लगे हैं। फेस अनलॉक इसका काफी फास्ट है, 0.1 सेकंड में आपका फोन अनलॉक हो जाता है। यानी कि आप अगर फोन स्क्रीन ऑफ है, अगर अपने फेस के सामने सिर्फ अनलॉक बटन प्रेस करते हो, डायरेक्टली आपका फोन सीधा अनलॉक हो जाता है। मीन आपको फ्रंट डिस्प्ले शो नहीं होता, डायरेक्टली होम पेज आपको दिखाई देगा कि फोन अनलॉक होकर के होम पेज आ गया। ये काफी कमाल का है, काफी फास्ट है। तो फिलहाल मेरे पास ये फोन नहीं आया, बट इस फोन के बारे में फोन जहाँ पे मैंने देखा सैंपल पीस, उस फोन के अकॉर्डिंग तो ये काफी क्यूट था और काफी यूजफुल और काफी लाइट वेट फोन है। अगर बात करते हैं इसके कैमरा का, तो सिंगल कैमरा फोन, मीन बैक में सिंगल, फ्रंट में सिंगल, अभी सारे डुअल आ रहे हैं, बट यहाँ पे सिंगल अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखो तो ये काफी बेटर है। बात सिंगल और डबल कैमरे की नहीं है, बात होती है सिंगल कैमरा हो या डबल, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो सिंगल कैमरे के अकॉर्डिंग ये क्वालिटी काफी बेटर है। क्वालिटी मैं आपको बता नहीं सकता, क्वालिटी तो काफी इंप्रूव है। इसमें जो कैमरा है रियर कैमरा, ये 13 मेगापिक्सल का है जिसमें भी AI फीचर्स यूज किया गया है। फ्रंट है 8 मेगापिक्सल जिसमें भी सेल्फी के लिए AI फीचर्स यूज किया गया है। बता दूं मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोसेसर के बारे में, हर कोई सोचता है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा, प्रोसेसर भी काफी कमाल का इन्होंने इस बार लगाया। फिलहाल ओप्पो और वीवो तो ऐसे पुराने सीरीज के लगाते रहते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज करा है। मीडियाटेक का जो लेटेस्ट है हीलियो P60 जो काफी अभी मीन मीडियाटेक में सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये काफी कमाल का चीज है। ये कमाल की बात इन्होंने करी कि हाँ चलो यार कुछ तो अच्छा करा। आपको गेम खेलना हो, नेट यूज करना हो, ब्राउज करना हो, अपलोड करना हो, एनीथिंग, काफी कूल होगा, काफी स्मूथ चलेगा ये फोन AP60 के मदद से। तो ये काफी कमाल का कंसेप्ट है। ये मैं तो बोलता हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेटर है। अगर नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है डुअल 4G एंड डुअल बॉल्टिक ऑप्शन। ये काफी कमाल है, मीन हर फोन में आपको डुअल 4G अगर मिल जाता है तो डुअल वोल्टिक ऑप्शन नहीं मिलता है। मीन आप एक सिम पे अगर वोल्टिक इनेबल करते हो तो दूसरा इनेबल नहीं होता है, बट यहाँ पे आप दोनों सिम में इनेबल कर सकते हो, दोनों सिम आप 4G चला सकते हो। आप अगर इसमें जियो की दोनों सिम अगर डालना चाहते हो तो बिल्कुल डालो, बिल्कुल फ्री होकर चलाओ, ये स्मूथ वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। बात करें इसके सिम स्लॉट की, सिम स्लॉट हर फोन के लिए इम्पोर्टेंट सा पार्ट है। जहाँ अभी सारे फोनों में हाइब्रिड सिम स्लॉट आते हैं जिसमें दो सिम का ऑप्शन तो होता है, बट अगर मेमोरी कार्ड आपको लगाना है तो एक सिम निकालना पड़ जाता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन हटा दिया इन्होंने, वहाँ पे आप एक बार में दोनों सिम लगा लो, मेमोरी कार्ड लगा लो, प्रॉपर आप दोनों सिम को स्टैंड बाई मोड पे रख सकते हो। सेकंड अगर इसमें अगर बात करें मेमोरी कार्ड का, तो मेमोरी कार्ड भी एक तो स्टोरेज आपको काफी इंटरनली मिल जाता है,
अगर आपको चाहिए कि और भी स्टोरेज हो तो आप इसमें मेमोरी कार्ड के थ्रू 256 GB तक का मेमोरी कार्ड इससे एक्सपेंड कर सकते हो। ये काफी कमाल और काफी बड़ा स्टोरेज में काउंट आता है 256 GB में। आपको तो यार फीचर दूसरे मूवी डाउनलोड कर लो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई है MI Vivo Zen फोन सोलो जो कुछ भी फोन है अभी मार्केट में चल रहे हैं एट द टाइम, इन सब की प्राइसिंग में काफी गिरावट होने वाली है, मीन काफी डाउन होने वाला प्राइसिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि चलो आपको जो फोन पसंद है वो भी लो, थोड़ी सी प्राइस भी डाउन हो जाएगी। यार मैं तो बोलता हूँ जिसे गेम अगर खेलने का काफी अगर शौक है तो ये फोन तो बिल्कुल ले ले, क्योंकि ये फोन का काफी कूल है। अगर रैम है, रैम भी काफी है, रैम 6 GB मिलता है, 128 GB स्टोरेज है, मूवी डाउनलोड करो, गेम डाउनलोड करो, कोई भी ऐप डालो, यार प्रॉपर स्मूथ है, फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है, कैमरे की क्वालिटी टू गुड है। यार मैं क्या बताऊं, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अगर फिलहाल तो अगर मुझे फोन लेना होता तो मैं तो इसे ही लूं, क्योंकि यार प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं पैसे वेस्ट करना चाहता। प्राइस के अकॉर्डिंग ये फोन काफी बेटर है। आप अगर लेना चाहते हो तो प्लीज मैं तो एक रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्री बुकिंग करो, अमेज़न पे जाओ, 25 तारीख को इसकी सेल शुरू होने वाली है, सबसे पहले आपके हाथ में ये फोन पहुंच जाएगा। बात करें इसे कलर का, वेरिएंट तो मैंने आपको बता दी कि 3 वेरिएंट में आने वाला है, 3 GB 128 वेरिएंट तो मैंने बता दिया कि वेरिएंट इसके 3 वेरिएंट आने वाले हैं मार्केट में, 332 GB प्लस 464 GB प्लस 6 128 GB। ये 3 वेरिएंट है, तीनों की प्राइसिंग भी आप देख लो, 8990 10990 13990। ये प्राइसिंग काफी कमाल का है, इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यार इसमें तो कोई फोन नहीं देने कभी इस टाइम पे मिलता है। अगर बात करें इस फोन के कलर का तो कलर आपको मिलता है यहाँ पे डायमंड ब्लैक एंड सोलर रेड कलर का, तो ये काफी अच्छा है। अगर आप खैर रेड कलर तो मैं नहीं बता सकता, जो ब्लैक है डायमंड ब्लैक वो काफी कूल और काफी हाईलाइट सा फोन है। इस फोन में आपको शायद एक चीज आपको जो पसंद नहीं पड़ेगा, जिसे अगर फिंगरप्रिंट सेंसर का आदत है उनके लिए ये बैड न्यूज है कि जैसे Vivo Y71 में अगर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, सेम यहाँ पे भी वही है कि इनमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बट फेस अनलॉक काफी स्मार्ट है। इसमें फेस अनलॉक में आप 0.1 सेकेंड में अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, मीन आपको उस फोन की ओर देखना फोन अनलॉक मिलता है, बट अब ये देखना है कि कितना कारगर होता है। सडनली आप अगर लो लाइटिंग में अगर यूज करते हो, मीन हल्का डार्क सा है, अंधेरा टाइप का रूम है या कहीं भी हो, आप वहां पे यूज करते हो तो शायद आपको वहां पे थोड़ी सी कमी महसूस हो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का, तो वहां पे आपको पैटर्न या पिन का यूज करना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो हर कोई करता है, तो ऐसे भी अगर वो लो लाइट में अगर काम करता है, कंपनी का तो फिलहाल कहना है कि लो लाइट में भी परफेक्ट काम करता है, काम करेगा, देखना ये है कि लो लाइट में कितना काम करता है, ये कितना कारगर होता है। तो अगर आप फोन परचेज करना चाहते हो तो प्लीज अभी विजिट करो सीधा अमेज़न पे, अमेज़न पे फ्रंट पे ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये Realme 1 अभी प्री बुकिंग पे है, इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है 25 मई से, तो आप प्लीज फटाक से बुक कर लो। आई थिंक यार इस प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी फोन अभी नहीं मिलने वाला है इतने फीचर्स के साथ में, जहाँ पे AI का तो परफेक्ट यूज किया गया है, बैटरी से लेकर के डिस्प्ले, कैमरा, मीन टोटली क्या बताऊँ, बस पहले तो मेटल बॉडी है, बैक फिनिश ग्लास दे रखा है इन्होंने जो काफी कूल और काफी हाईलाइट सा फोन बनाता है। बस आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी तो वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, तो यार डजंट मैटर फिंगरप्रिंट सेंसर अगर ना भी हो तो कोई भी इंसान एडजस्ट कर लेगा, बट अगर आपको फोन चलाते समय अगर फोन स्लो होता है ये एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत होता है कि यार कुछ काम कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, फोन आपको वहां पे हैंग होने लगे, आप यार परेशान हो जाओ फोन को लेकर के, तो ये सही नहीं है। वहां पे आप 6 GB का फोन या परचेज करो 6 GB 128 GB या 14,000 रुपये में आपको ये फोन मिल जाता है। अगर 6 GB का फोन ले जाते हो अदर कंपनी में 6 GB रैम वाला, तो आई थिंक जहां तक ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी बात है कि आपको 25,000 से ऊपर तक अमाउंट पे करने पड़ सकते हैं, तो यार उसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ भी नहीं है, ये काफी सस्ता है। 4 GB का आप लेने जाते हो वहां भी 16 से 17 हजार, 15 हजार से तो ऊपर का एक पेमेंट बनता है किसी भी फोन में। ये फोन काफी बेटर है, अब देखना ये है कि मार्केट में कितने जल्दी कितने क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ये किस किस को मिलता है। आप अगर फोन परचेज करना चाहते हो तो आप इसे परचेज करते हो कि नहीं, ये प्लीज नीचे कमेंट में बताना, और आपको फोन ये मिलता है 25 मई को या नहीं,
ये भी कमेंट में बताना। देखता हूँ इसके बारे में, अगर रिव्यू यूनिट अगर मुझे मिलता है तो मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ये था मेरा ओपिनियन इस फोन को लेकर के। मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में बताया, कलर क्या था, या जो भी क्वालिटी है मैंने सारी आपको बता दी है। आपको अगर फोन परचेस करना तो प्लीज अमेजोन विजिट कर लो। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंड।